कारवां टीवी हर पल आपके साथ। आदाब, जुबा मेरी, खबर तुम्हारी, और मैं हूं रियाज गुड्डू अंसारी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। इसी के चलते बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के गांव हरहरपुर मटकली में सराफत हुसैन के बेटे अल्तमस ने भी चुनावी ताल ठोक दी है और ग्राम पंचायत का चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं उनके वालिद शराफत हुसैन ने अल्तमस के चुनावी मैदान में उतरने पर उन्हें ढेर सारी दुआएं दी हैं। जी हां दोस्तों, तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी शख्सियत है जो कुछ समय पहले शराफत सेठ के नाम से जाने और पहचाने जाते थे। बात करें अगर इनके कारोबार की, तो शराफत हुसैन का कारोबार कारचोप का एक बड़ा कारोबार था, मगर सेठ से अचानक फकीर बने शराफत सेठ ने इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में अपने बेटे अल्तमस को उतार दिया है। आइए हम बात करते हैं शराफत सेठ से फकीर बने शराफत हुसैन से कि क्या है उनकी पहली प्राथमिकताएं। शराफत हुसैन जी, जानना चाहेंगे आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किन मामले को लेकर बुलाई है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा है सर, हमने जो ये प्रेस वार्ता बुलाई है, ये ग्राम पंचायत हरहरपुर मटकली के प्रधान पद के उम्मीदवार मोहम्मद अल्तमस अंसारी द्वारा सूचना दी जाती है। ग्राम हरहरपुर मटकली व ग्राम पंडरी के उम्मीदवार ग्राम प्रधान प्रत्याशी मोहम्मद अल्तमस अंसारी की तरफ से सभी ग्राम वासियों को और हमारे जिला बरेली के सभी अधिकारियों को और हिंदुस्तान के वासियों को नए साल की दिली मुबारकबाद देते हैं और बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ ही तमाम ग्रामवासियों से मोहम्मद अल्तमस अंसारी के लिए वोट की अपील करता हूं कि आप सभी प्यार के साथ अपना वोट व सहयोग देकर मोहम्मद अल्तमस अंसारी को अपने कीमती वोट से भारी मतों से इसे विजयी बनाएं। इसकी कामयाबी आप सभी लोगों की कामयाबी होगी। मोहम्मद अल्तमस अंसारी आपके प्यार व सहयोग की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं और आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं और कि आपका वोट मिलेगा और इस गांव के ये प्रधान बनेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद भी है हमें। और आप इसका हौसला बुलंद करें, हमारा बेटा आपका बेटा है और इसकी बुलंदी आप सभी ग्रामवासियों की बुलंदी बनेगी। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी समाधान सरकार द्वारा आता है वो सहयोग हम गरीबों तक नहीं पहुंचता है, इसलिए गरीबों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ग्राम में आवास आते हैं, शौचालय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी के लिए आवास व शौचालय भेजे हैं, मगर किसी गरीब को इस योजना का लाभ अभी नहीं मिला है इस नई बस्ती में। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपने ग्राम का ऐसा ईमानदार प्रधान बनाओ कि जैसे प्रदेश के सीएम साहब, जैसे उत्तर प्रदेश में हर जगह जगह जाकर स्वयं जाकर सबसे जानकारी लेते हैं, ऐसे ही प्रधान को भी हर घर जाकर सबके हाल पूछना चाहिए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी होती है प्रधान की कि जैसे लोगों ने प्रधान के लिए अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत को और अपनी भूख प्यास को मिटाते हुए एक प्रधान को अपना प्रत्याशी, अपना ग्राम प्रधान बनाया है, और उस प्रधान को चाहिए कि उस गरीब के पास जाए और उसकी फरियाद सुने। इस फरियाद सुनने के लिए प्रधान को पूरा हक है और उसकी जिम्मेदारी होती है प्रधान की। तो हमारे ग्राम के जो भी प्रधान बने उन्हें सरपंच भी बोला जाता है। सरपंच का एक मामला ये होता है कि जनता की समाधान के लिए एक प्रधान बनता है, उसके समाधान के लिए सरकार से वो अपील करें कि हमारी जनता को ये परेशानी है। सरकार, हमारे हिंदुस्तान की सरकार हमेशा तैयार है हर चीज़ के लिए और उस गांव के जिस गांव में जिस सुविधा की कमी है उस सुविधा को भेजने के लिए भी तैयार है और हमारे सीएम साहब भेजते भी हैं, हमारे भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी आप भी भेजते हैं, आपके द्वारा भी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमने अपने बेटे से बात करी थी तो बेटे ने हमें कुछ बताया था इसके बारे में, तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है,
हमारा मोहम्मद अल्तमस अंसारी कहने लगे, पापा ग्राम प्रधान वो होता है कि घर घर जाकर सबकी मजबूरियां सुने कि वो हमने किसी को वोट दिया है लाइन में लग के, तो वो भी हमारी 2 मिनट आके बात सुन ले, और वो प्रधान हमारी बात सुन के उन अधिकारियों तक, सरकारी कर्मचारियों तक पहुँचाएँ और CM साहब तक पहुँचाएँ, हमारी गरीबी का मामला दूर करें, और हमें जो भी दिक्कतें होती हैं जैसे कि शौचालय नहीं बने हुए हैं, आवास नहीं बने हुए हैं, किसी के पास जगह नहीं है, किराए पर रह रहे हैं बेचारे, उसके लिए भी सरकार ने कुछ जगह छोड़ रखी हैं, हैं तो उन जगहों में ग्राम प्रधान अपनी मोहर लगा के सरकार द्वारा उस जगह को दिला सकते हैं। ख्वाजा का चमन यूं ही चमकता रहे, ये है चिश्तिया चमन यूं ही चमकता रहे, हिंद में है ख्वाजा के गुलशन के फूल। हम आप जितने भी चाहे हिंदू सही या मुसलमान सही, सब उनके ही फूल हैं, सब अल्लाह की मखलूक हैं, सब भगवान के फूल हैं, अल्लाह के फूल हैं, भगवान के फूल हैं। हम एक फुलवारी हैं, इंसान हैं, इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए, मोहब्बत और प्यार, इसे कहते हैं इंसानियत। सबसे मोहब्बत प्यार करो, आने वाले मेहमान का सम्मान करो, आने वाले अधिकारियों का सम्मान करो, जो भी सरकारी कर्मचारी आते हैं उनको सम्मान दो, इसका मतलब ये है। हिंद ख्वाजा का हमेशा महकता रहे, 26 जनवरी अमर रहे, हम सबका हिंदुस्तान सलामत रहे, व गणतंत्र दिवस की हार्दिक सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, व सभी देशवासियों व ग्रामवासियों को और व हमारे CM साहब और व नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमारे देश के ऐसे राजा प्रधानमंत्री हैं और हमारे CM साहब हैं जो हमारे गाँव के लिए, सभी गाँव के लिए ये सुविधा भेजते हैं, हम बहुत खुश हैं उस उनसे, और बड़ी खुशी की बात है हमें, और ऐसे ही हमें राजाओं की ज़रूरत है, ऐसे ही प्रधान को, प्रधान की ज़रूरत गांव वालों को होती है। कारवां TV हर पल आपके साथ।